यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोग हैं तुम दर्शक वाले हैं जीटीए हब। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो कैसे आप लोगों को तो पता होगा कि कैसे जिमी की जो फाइट थी ना, वो कैसे लॉस्ट गैंग के बंदों से हो गई थी। अब कैसे सीन ये हुआ था, कैसे जो लॉस्ट गैंग के बंदे ना, उन्होंने कैसे जिमी को किसी से किडनैप कर लिया था, क्योंकि कैसे जिमी है ना वो कैसे रॉस कार की डिलीवरी देने जा रहा था। अब कैसे ये जो बहनी है ना, इसको कैसे जिमी को गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन कैसे जैसे करके जो है, मैं कैसे जिमी को भी बचा के लेके आ गया था, और लॉस्ट गैंग की तो कैसे यहाँ पहुंचे ना मैंने ऐसी की तैसी मार दी। अब गए उसके जस्ट बाद जो है ना, मेरे पास मिलिट्री वाले कर्नल को रहती। अब गए कर्नल मेरे से ये बोल रहा था कि सर अभी जो है ना सिटी हॉल के अंदर गए काफी सारे बंदों को जो है होस्टेज बना लिया है, वो भी गए टेररिस्ट को लोगों ने। अब गए ये जो टेररिस्ट के लोग हैं, ये कहां से आए थे, कैसे आए थे, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गए इनकी मांग ये थी कि गए या तो लॉस सेंटर्स में गए इनको तगड़ा तगड़ा रहने के लिए घर दो, या गए ये पूरा का पूरी सिटी हॉल है ना इसको उड़ा देंगे। अब गए यहां पर तुम्हारे भाई ने गए ऐसी की तैसी मार दी थी इनकी भी। अब गए आप लोग यहां पर देख पाओगे मेरा हस्की आ जा रही, जल्दी से आ जा यार, कितना ना प्यारा हस्की है। अब गए यहाँ पर जो ना बैनी की मेरे पास को लाई है। अब बैनी मेरे को तुरंत ही कैसे अपने शोरूम के अंदर बुला रहा है। मैं सोच रहा हूँ हस्की को ना मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। वैसे कैसे यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, मैंने एक गार्डनर बुला लिया, एक एक्स्ट्रा गार्डनर बुला लिया है, एक सुबह भी आते हैं गजर यहाँ पर दोपहर में। मैंने पूरे दिन के लिए जो है ना इसको रख लिया है, और मैंने बोल दिया हस्की को अगर भूख वूख लगती है ना आराम से खाना मैंने खिला दियो, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर हस्की को बोलता हूँ कि गजर तू है ना यहाँ पर थोड़ा वेट कर ले, तो यहाँ पर जो ना मैं होकर आ रहा हूँ अभी शोरूम से, और तू इतना वेट करियो फिर घूमने चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं इतनी। और इससे पहले कहते ये जो है ना थोड़ा ज़्यादा जिद विद करने लगे, मैं सीधा निकल जाता हूँ, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी जिद्दी हो चुका है। भाई साहब जल्द से निकलते हैं, अगर ये चिल्लाने लगा ना भाई साहब तो यहाँ पर मेरे को इसको लेके जाना पड़ेगा अपने साथ में। गजर इसको भी अब जो है ना सुबह शाम घुमाना पड़ेगा। तो भाई अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर 2000 लाइक कर भाई पूरा करा देना। और गजर अभी तक सेकंड चैनल चेक करने का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जगह चेक करोगे उस पर जीटी फाइव वीडियो चलो। और मेरे को स्ट्रगल फॉलो करना बिल्कुल बोलना, तो अगर जल्द से निकलता मैं कैसे अपने शोरूम के लिए। तो के जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं अपनी बाइक को भगाता हूँ, बस सीधे कैसे भैया अपने शोरूम पहुंच चुका हूँ। यहाँ से बस अपने को लेफ्ट की तरफ टर्न मारो, भाई कितना जरा जरा सा बचा था। और भाई अगर हल्की सी भी थोड़ी सी आगे और जाते ना भाई, सही बता रहा हूँ गजर नीचे की तरफ मेरा मुंह टूटने वाला था। गजर फाइनली बच चुका हूँ। ओ भाई गेट तो ओपन हो जाए यार। भाई ये जो जिक्सर बाइक है ना, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम इतना तगड़ा है, इस बाइक को मैं यहाँ पर लगा था जैसे। ओ तेरी भैंस की यार, मेरे से बाइक क्यों गिर जाती है भाई, मेरे को एक बात समझ आ रही। ये बाइक यार मैं चलाना वाला ना भूल गया हूँ क्या? चलो कोई नहीं गजर, यहाँ पर आप लोग देख पर काफी सारी बाइक है, और काफी सारी बिक भी चुकी है, जो कि गजर काफी बड़े बात हो चुके हैं। और ये देखो, ये मुझे लग रहा है अपने पापा को मना रहा है बाइक लेने के लिए। ज्यादा महंगी नहीं है भाई, जिस सर ले लो यार, अंकल जी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो कोई नहीं गजर, इनको अपना लगे रहने देते हैं। सामने मेरे को बैनी दिख चुका है, गजर जल्द से बैनी से बात कर लेता हूँ, पूछता हूँ यहाँ पर क्या ही सीन हो गया है। ओके यहाँ पर मेरी बैनी से बात हो चुकी है। गजर बैनी ये बोल रहा है गजर पेरिस के अंदर गजर काफी बड़ी एक रेस होने वाली है, मतलब रेस ऑफ द ईयर, मतलब साल की सबसे ज्यादा बड़ी रेस। अब गजर इस रेस का जो विनिंग प्राइस है ना वो होगा गजर $500 मिलियन। लेकिन गजर इस रेस में खतरनाक बात ये है गजर, जो ओपोनेंट टीम होती है ना वो गजर मतलब जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब गजर लड़ाई भी हो सकती है। क्या पता गजर बैनी ये बोल रहा है गजर बीच रास्ते में रुकवा के गजर गाड़ी वाड़ी छीन के मार वार न दे। अब गजर यहां पर मैंने बता दिया है कितनी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन गजर जो रेस है ना वो गजर 2 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट होगी, तो अभी गजर हमारे पास टाइम है। लेकिन बैनी ये बता रहा है गजर उस रेस के अंदर ना गजर काफी खतरनाक गाड़ी आने वाली है। अब गजर यहां पर आप लोग देख पाओगे अगर मैं ऐसी गाड़ी लेके जाऊंगा तो भाई साहब मेरे को भाई अच्छा ही नहीं लगेगा यार, भाई मैं पहली हार जाऊंगा। तो गजर बैनी ये बता रहा है कि सर अभी ना लिबर्टी सिटी के अंदर गजर एक कार शो होने वाला है। अब गजर उस कार शो के अंदर गजर काफी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां आने वाली है। अब गजर उन्हीं गाड़ियों को जो बीच है नहीं गजर काफी महंगी गाड़ी है और प्रीमियम है, मतलब गजर प्रीमियम के साथ साथ ना गजर वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार है। अब गजर अगर हमने उसको चुरा लिया ना तो गजर मैं आसानी से जीत सकता हूँ वो जो रेस को, मतलब जो पेरिस में होने वाली है। लेकिन गजर इतना भी आसान नहीं है, मतलब लिबर्टी सिटी के अंदर जाना और गजर वहां की मतलब सिक्योरिटी को मार के गाड़ी को चुरा के लाना। अब गजर आप लोगों को पता होगा जो लिबर्टी सिटी है ना गजर वो गाड़ियों के लिए जाना जाता है। अब गजर वहां पर कितनी सिक्योरिटी होगी यार, मेरे को तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं गजर, यहां पर लमार के पास कॉल कर लेता हूं, क्योंकि गजर आप लोगों को पता होगा लमार की दोस्ती ना वो गजर लिबर्टी सिटी में फैली हुई है। क्या पता लमार हमारी हेल्प कर दे, कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा यार। तो कैसे यहां पर मेरी लमार से बात हो चुकी है। अब गजर लमार ये बोल रहा है कि अभी जो ना वो मुझसे 10 मिनट के अंदर अंदर एयरपोर्ट पहुंच रहा है। अब गजर यहां पर जो ना यार रेस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गजर उसको जो विनिंग प्राइस है ना वो है $500 मिलियन।
डॉलर, साथ में दो चार गाड़ियां भी गिफ्ट मिलने वाली हैं। और भाई मैं उन गाड़ियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और आप लोगों को पता होगा भाई, 500 मिलियन डॉलर बहुत होता है यार। मतलब अगर 500 मिलियन डॉलर मिल जाता ना तो भाई साहब एक नया शोरूम भी खोल सकते हैं यार, कितना सब कुछ कर सकते हैं। एक नया मेंशन ले लेंगे भाई लिबर्टी सिटी या पेरिस वेरिस में जाके, काफी बढ़िया सीन हो जाएगा। और मैं सोच रहा था अभी जो ना लिबर्टी सिटी में भी एक ना अपना शोरूम खोल लेते हैं, क्या ही तगड़ा सीन हो जाएगा ना। सो ओके लेट्स गो गाइस। तुम्हारा भाई यहां पर गाड़ी को भगा दबा कर सीधा भेजा एयरपोर्ट पहुंचने वाला। और भैया जी गेट तो खोल दो यार, मतलब यार कोई इज्जत ही नहीं यार, मतलब क्या समझ रखा भैया। चलो कोई नहीं, यहाँ पर मैं जैसे पहुंच चुका हूँ। और आप लोग इस गाड़ी की स्पीड देखो, इतनी ज्यादा तेज है। ओ आराम से भाई, मैं कुछ ज्यादा तेज चला रहा हूँ इसको। आई थिंक मैं जो है ना इसको यहीं पर लगाता हूँ, यहाँ पर भाई चोरी वोरी ना हो जाए। ये डोर ओपन, ओ भाई कितना बढ़िया बात हो चुकी है। मैं कैसे इसको ना अंदर की तरफ लगाता हूँ, बाद में आके ले जाऊंगा, क्योंकि भाई गाड़ी है ना जो बाइक है काफी ज्यादा प्रीमियम है। और भाई मैं नहीं चाहता कैसे यहाँ पर चोरी वोरी हो। और मैंने जो है लमार के पास कॉल करके बता दिया कि जल्द से जल्दी आ जाए, लेकिन लमार का अता पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है। मुझे क्या लग रहा है कैसे यहाँ पर दोबारा से मेरे को कॉल करनी पड़ेगी और मैं पूछ लेता हूँ कैसे यहाँ पर लमार कहाँ पर रह चुका है। प्लेन तो मेरे को सामने की तरफ ही दिख चुके हैं, इनको लेके चलेंगे, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। पता नहीं कैसे ये कहाँ रह गया है। आप लोगों को बताओगे जो लमार की ड्राइव है ना, कैसे काफी तगड़े तरीके से गाड़ी चलाता है, मतलब कैसे माइकल से भी काफी बढ़िया चला लेता है। और लोग वो आ रहा बहुत सब क्या चलाते वाला आ रहा है, आप लोग देखो पता नहीं कहाँ रह गया है। अब लमार कहाँ रह गया, पता नहीं। एक सेकेंड मैं टक्कर वक्कर हो गई क्या इसकी, एक सेकंड। ओ लो अबे अटक गया क्या। अब यार ये लमार भाई पता नहीं किस लिए खड़ा है। चलो गाइस यहाँ पर जैसे लमार से बात कर लेता हूँ, एक सेकंड। अबे लमार ये रहा भाई मैं, अबे यार ये वो हो जा रहा। तो क्या यहाँ पर मेरी लमार से बात हो चुकी है। अब गाइस मैंने लमार को ये बता दिया कि गाइस अभी जो ना हम लिबर्टी सिटी जा रहे हैं वो भी चोरी करने के लिए। लमार ये बता रहा है गाइस लिबर्टी सिटी में गाइस जो सिक्योरिटी ना वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, मतलब गाइस पुलिस भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैंने लमार को बता दिया है कि भाई साहब वो जो रेस है ना वो मेरे को जैसे करके जीतनी है। साथ में गाइस वो जो ना मतलब एक तरीके से नाम भी हो जाएगा माइकल का कि भैया जी यहाँ पर पेरिस के अंदर जाकर रेस जीत गए हैं। लमार भाई साहब काफी तगड़ा बंदा है, लमार डरता वरता नहीं है, ट्रेवर के जैसा है। मैं ट्रेवर को भी साथ लेके जा सकता था, लेकिन भाई ट्रेवर की जान पहचान है ही नहीं लिबर्टी सिटी में, लमार की अच्छी खासी जान पहचान है। वैसे यहाँ पर जो इसको जैसे टेक ऑफ करते हैं, ओ ओ ओ भाई आराम से। वैसे यहाँ पर मैं इसको बड़े प्यार से टेक ऑफ करने वाला हूँ। ओ ओ ओ भाई साहब पहले रनवे पे आ जाते हैं और यहाँ पर जल्द से इसको टेक ऑफ करते हैं। ओके लेट्स गो। तुम्हारे भाई ने कहा यहाँ पर जो इसको टेक ऑफ कर दिया, सीधे कैसे जो है लिबर्टी सिटी के लिए लेके निकलते हैं। अब गए यहाँ पर जो लिबर्टी सिटी काफ़ी दूर है, थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाएगा, कम से कम 5 से 6 घंटे। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सो कैसे यहाँ पर जो है मैं अपने प्लेन को उड़ा थोड़ा सीधा कैसे भेजना लिबर्टी सिटी पहुंच चुका हूँ। और कैसे आप लोग नीचे की तरफ देखो, मतलब क्या ही लिबर्टी सिटी का नज़ारा आ रहा है। वैसे लिबर्टी सिटी को देखने का मजा तो रात में ही है। और वैसे मैं बोल रहा था कैसे 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और भाई पूरी रात हो चुकी है और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी देरी और नहीं करना चाहता। वैसे यहाँ पर बड़े प्यार से मैं इसको लैंड करा देता हूँ। भाई इसका जो रनवे है ना, मतलब एयरपोर्ट जो है, वैसे लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तुम्हारे भाई ने कहा यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार से इसको लैंड करा दिया है। और यहाँ से कहते हमको उन्हें गाड़ी देखनी पड़ेगी, एक अच्छी सी गाड़ी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। ओ ओ लोग मेरे को गाड़ी सामने तरफ दिख चुके हैं, इसको अंदर की तरफ भी लेके चलते हैं। अगर इसको वापस भी लेके जाने वाले हैं, बट टक्कर वक्कर ना लग जाए। वैसे अगर ये एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है, टक्कर लगने का तो भाई सब सवाल पैदा नहीं होता यार। लेस हो गया पूछा, आराम से रुक जाओ। बड़े प्यार से मैंने इसको रोक लिया, गाड़ी मेरे को सामने तरफ भी दिख चुकी है, इसी गाड़ी को लेके चलते हैं। नहीं नहीं भाई, ये वाली गाड़ी काफी तो मस्त लग रही है, इसको लेके चलते हैं। लमार तू भी जल्द से आके बैठ भाई, लमार भी आके बैठ चुका, अभी जल्द से निकलते हैं इससे पहले कहते कुछ देरी वेरी होना। भाई रात को यार कार शो हो रहा है, पता नहीं कहते अब जो है वो हो भी रहा होगा नहीं हो रहा होगा। भाई मैं लेट हो चुका हूँ, बैनी ये बोल रहा था कैसे आज ना दिन में हो रहा था। भाई मैं निकला ही दिन में था, अब रात हो चुका है, मैं क्या कर सकता हूँ यार। एक सेकंड यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता किधर, ओ हेलो एक सेकंड बाहर, ओ, ओ, ओ भाई सामने की तरफ भी बाहर जाने का रास्ता है और मैं राइट में देख रहा था। लेस हो गया यहाँ पर जो बाहर तरफ हम निकल चुके हैं और भाई रात में पता नहीं कैसे गाड़ियाँ वाड़े चल भी रही होंगी नहीं चल रही होंगी। भाई एक गाड़ी मेरे को अभी तक चलती हुई तो दिखी नहीं है, सारे में गाड़ी खड़ी है। गजर यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अभी ना जहाँ पर बैनी मेरे को बता रहा था उसी लोकेशन में निकलते हैं। सो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मैं अपनी गाड़ी को भगाते बस सीधे कब जो है वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। और एक सेकंड मैं तब भी कहूँ यहाँ के सारी सभी पब्लिक है वो कहाँ पर है। लो भाई एक सेकंड भाई यहाँ पर रोड पर आ चुके भाई, पार्टी शार्टी चल रही है और भाई कितना ज़्यादा बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है। मैंने कहा पहली बार देखा लिबर्टी सिटी में वो भी कॉन्सर्ट होते हुए। मैं तभी कहूँगा सारी सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ वो दिख रही है आजकल रात में। कहते यहाँ पर ना मुझे लग रहा है किसी की पार्टी शार्टी चल रही है, जाकर देखूँ क्या मैं अंदर। छोड़ो यार क्या देखना, वैसे भी कहते यहाँ पर आप लोग देखो वहाँ पर पूरा स्टेज ही घिर रखा है। कहते यहाँ पर मेरा मन कर रहा है कि आगे जाकर दो चार ठुमके लगा ही लें, लेकिन भाई साहब बाद में लगाएंगे। ओ ओ ओ भाई कोई सिक्योरिटी गार्ड तो लगवा दो यार, बीच रोड में ये पार्टी शार्टी कर रहे हैं। भाई कोई उड़ा उड़ू
चला जाएगा वो तो मैंने देख लिया है, बट कोई नहीं चलते आगे की तरफ। भाई काफी जोरों शोरों से पार्टी चल रही है, मैं सोच रहा था कि पार्टी में हम भी इंक्लूड आए थे, थोड़ा बहुत जो है ना कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मार ही लेते हैं। वैसे भी चलो छोड़ो यार, क्या सीन है। तो ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फाइनली हम जो है ना पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे मेरे को जो है बेनी बता रहा था। भाई लाइटनिंग कितनी ज्यादा बढ़िया कर रखी है यहाँ पर। मैं तो गाड़ी को यहाँ पर लगाता हूँ, जैसे अंदर की तरफ निकलते हैं और भाई सब इन्होंने क्या बना रखा, भाई पटाखे वटाखे फूट रहे हैं। ओ लमार मेरे पीछे की तरफ आया, वैसे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े हुए हैं। तो कहते ये जो है ना एक पब्लिक पार्टी होने वाली, कार शो पब्लिक होने वाला है, तो यहाँ पर मेरे को आई थिंक कोई भी नहीं रोकने वाला है। और मेरे पास है ना गन्स वन्स भी रखी हुई है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आग की तरफ निकलता हूँ, भाई सब क्या बना रखा भाई, ये तो कहते एक तरीके फ्यूचर सिटी लग रही है। आप लोग खुद देखो भाई, क्या मजा ही आ गया यार देख के। मैं यहाँ पर जैसे नीचे की तरफ निकलता हूँ और ये भाई पूरी की पूरी ना पानी के ऊपर बना रखे हैं। भाई साहब ब्रदर, इसका तो भाई सेल्फी वेल्फी लेने का मन कर रहा है। लमार भी अपना पीछे आ रहा है, लमार आ जा जल्दी जल्दी से आ जा। लमार भाई सब खून तक में लग रहा है मेरे को तो यार। ओ ओ एक सेकंड, यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, ये बेहोश बेहोश हो गए हैं। वाह भाई वाह, भाई सब नशे वशे में धुत होकर भाई बेहोश हो गए हैं। भाई इतनी ज़्यादा क्यों पी रखी है, और ये इतनी ज़्यादा बड़ी है ना ये बिल्डिंग। भाई इसको मैं क्या बोलूँ यार, इसको बिल्डिंग तो नहीं बोल सकते हैं, इसको कहते हैं कुछ अलग ही सीन है। यहाँ पर अपना जो लोग हैं ना यहाँ पर बातें शातें कर रहे हैं, तो वो करने देते हैं। यहाँ पर गाड़ी देखने वाली बात है, गाड़ी किधर की तरफ है यार, रात को कार शो होने। ओ ओ भाई नहीं यार, यहाँ पर सारे में सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, यहाँ पर बंदे बंदे भी हैं, लेकिन मेरे को ना कहीं पर भी यहाँ पर गाड़ी तो नहीं दिख रही है। यहाँ पर आग की तरफ निकलते हैं जल्द से, भाई इनविजिबल बना रखा है भाई। भाई सब मुझे लग रहा था गाइस कुछ यहाँ पर बीच में अड़ रहा है, बट गाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ जल्द से निकलते हैं भाई, यहाँ पर लिबर्टी सिटी में गाइस मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। मुझे नहीं पता गाइस यहाँ पर कोई इतना बड़ा माफिया है। ओ भाई गाइस गाड़ी जो है मेरे को सामने की तरफ ही दिख चुका फाइनली, लेकिन उस गाड़ी को मैं लेके कैसे जाऊँ यार, यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। सीधी सी बात है गाइस ये तो मेरा मुँह तोड़ देंगे। लमार किधर की तरफ है, लमार भी भाई सब पता नहीं कहाँ रह गया भाई। मुझे लग रहा भाई बियर बियर मारने लग गया क्या यार, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। चलो गाइस यहाँ पर आग की तरफ चल के देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं गाड़ी ले लेता हूँ तो यहाँ पर निकल के कैसे जाऊँगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक मैं गाड़ी यहाँ पर निकाल के लेके जा तो सकता हूँ ईजिली, लेकिन यार ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना ये मेरा जो है ना रास्ता में आएंगे और मैं भाई इनका मुंह तोड़ दूंगा। पहले गाड़ी देख लेते हैं गाड़ी कौन सी है। ओ ओ ओ ओ भाई सब गजर, यही वो गाड़ी है जिस गाड़ी के बारे में जो बेनी बात कर रहा था। और गजर ये जो है ना कॉनिग्जैक जेस्को, गजर ये जो गाड़ी है ना वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार है। और गजर आई थिंक यही बची है क्योंकि रात हो चुकी है, तो गजर सारे से जो बंदे ना वो जा चुके हैं। अब भाई वो तो अच्छा हुआ गजर यहाँ पर मैं एम टाइम में पहुंच चुका हूँ, ना तो गजर इसका जो मालिक है ना वो भी आके ले जाता भाई, फिर मेरे को जो है ना उसे घर में से चुरा के लेनी पड़ती। लेकिन वो तो अच्छा हुआ गजर यहाँ पर जो है मेरे को गाड़ी दिख चुकी है। लेकिन भाई मैं करूँ क्या यार, यहाँ पर गाड़ी को मेरे को जैसे करके चाहिए, लेकिन यार यहाँ पर मैं कैसे मारूँ यार, एक बार मेरे को समझ आ रही। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ मारना स्टार्ट करें क्या, क्योंकि अगर ये जो गाड़ी मेरे को जैसे करके चाहिए, अगर मैं ज़्यादा देर करूँगा तो क्या पता अगर इसका मालिक आकर लेके चला गया ना। तो अगर अभी लमार की मेरे पास को लाइए, लमार ये बोले कि जल्द से जल्दी करो, क्योंकि अगर यहाँ पर ना पुलिस वुलिस भी आती होगी, क्योंकि अगर ये जो कार शो हो रहा है ना गजर एक तरीके से इलीगल हो रहा है, और गजर अगर पुलिस आ गई तो गजर यहाँ पर काफ़ी तक गलत सीन हो जाएगा। गजर मैं यहाँ पर लमार के पास कॉल करके ये बोल दिया कि तू जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकल जा, वहाँ पर एक कार को प्लेन का इंतजाम कर दे जैसे करके। गजर ये जो गाड़ी मेरे को जैसे करके लेके जानी है। ओ गजर बहुत देर हो चुके हैं तुम्हारी है। निकलो सारे सर जल्दी जल्दी, पहली फुर्सत निकलना यहाँ से। ओ भाई लाइट वेट चली गई क्या यहाँ की, एक सेकंड यहाँ पर गजर कुछ चिंगारी तुम्हारी, जल्दी मैडम जल्द से निकलो यहाँ से। गजर यहाँ पर मैंने बजाने स्टार्ट कर दिए हैं, बेटा किधर की तरफ वो शक्ल दिखा दो, निकलो आप भी यहाँ से। ओ गजर एक बंदा हो रहा, तू भी निकल बेटा यहाँ से, इसका भी जो है मैंने बत्ता सुझा दिया है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं जैसे निकलते हैं, इससे पहले कुछ गलत सीन हो वहाँ। ओ भाई एक सेकंड गजर कोई ना कोई बंदा तो गाड़ी चला रहा हूँ भाई, गजर गाड़ी में भाई सब गोली वोली नहीं लगनी चाहिए। ओ तेरी भैंस की आँख भाई, गाड़ी को ना मैं उछाल दिया है भाई, इतने ज़्यादा नशे कर लिए हैं इनको कुछ पता नहीं है। और यहाँ पर लाइटनिंग का कैश हो गया भाई, इतनी ज़्यादा अच्छी खासी अभी लाइट जली थी। निकलो आपकी ऐसी की तैसी, ओके यहाँ पर जो गाड़ी को भगाओ भाई, एक तुम्हारी ऐसी तू भी निकल। और कहते ये जो गाड़ी है पूरी बुलेट प्रूफ है, तो कहते यहाँ पर मेरे को जो कुछ असर नहीं होने वाला है। मैडम जी आप भी निकलिए जल्द से, गजर यहाँ पर जो मैं जल्द से लेकर निकलता हूँ, इससे पहले गजर कुछ गलती सीन हो। ओ गजर ये जाने बाहर जाने का रास्ता रखा। ओ भाई साहब गजर फाइनली मैंने जो गाड़ी है तेरी ऐसी से हट यहाँ से। ओ भाई भाई गजर यहाँ पर मैंने गाड़ी को तो भगा के लेके आ चुका हूँ, और ये जो पुलिस वाले ना पुलिस वाले तो नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ तुम्हारी ऐसी कम तैसी, मैं सोचूंगा यहाँ पर जो तो मैं ना मारू भाई, इतनी पुलिस मतलब इतने सिक्योरिटी गार्ड बेटा बजा कर रख दूंगा, मैं सोचता कि यहाँ पर इनको ना मारूं, लेकिन यहाँ पर लाइटनिंग का भी कुछ इशू हो रखा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी निकलो यहाँ से सारे। एक सेकंड मेरे पास ग्रेनेड पड़ा है बेटा, इनको पता तो चलना चाहिए भाई यहाँ पर कौन आया था। भाई साहब मैंने इनकी पार्टी में जो है ना थोड़ा नमक मिर्च मिला दिया भाई,
गजर यहाँ पर आप लोग देखो कितना ज्यादा बढ़िया ये सिटी, क्या बोलो यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा उत्तरी भैंस की। भाई मैं जल्द से निकलता हूँ। लमार गजर अभी जो ना कार्गो प्लेन का इंतजाम कर रखा होगा, मेरे भी कर लिया होगा। भाई यहाँ पर मैं सोचता यहाँ पर कुछ हार्ड होगा, लेकिन गजर काफी इजिली तरीके से ना हमने जो गाड़ी है ये चुरा ली है। और भाई गाड़ी की हैंडलिंग गजर काफी ज्यादा मतलब फिसल सी रही है यार, मैं क्या ही बताऊँ। गजर ये जो गाड़ी ना भाई रात के टाइम में भाई साहब यहाँ पर कोई बंदा चला ही नहीं है, पार्टी शार्टी ज्यादा करने लगे आजकल यहाँ के लोग। चलो कोई नहीं गजर, यहाँ पर गाड़ी को भगाते हैं, सीधा गजर भी एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। और भाई सही बता रहा हूँ गाड़ी काफी ज्यादा मस्त लग रही है। अब गजर यहाँ पर जो ना इस गाड़ी को लेकर मैं सीधा पेरिस के लिए निकलूंगा। और यहाँ पर इतना बड़ा गैरेज बना रखा है, वाह भाई वाह, ये गैरेज नहीं है ये गजर, आई थिंक पता नहीं क्या सीन है। चलो छोड़ो भाई, यहाँ पर पुलिस वुलिस आती होगी, इससे पहले पुलिस वुलिस आए निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, गजर गाड़ी को भगाते बस सीधा गजर अभी लिबर्टी सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। और लमार ये बात रहा गजर अभी जो ना वो सामने तरफ ही खड़ा होगा। ओ ओ भाई मुझे लग रहा है मैं कुछ गलती आ गया, यहाँ पर मेरे को जो ना अंदर की तरफ जाना चाहिए था। भाई अभी जो ना मैं गाड़ी को लेकर सीधा नदी में कूदाने वाला था, नदी नहीं भाई पूरा समुंदर है। और सामने तरफ जो है मेरे को लमार भी दिख चुका है। ओ लमार नो भाई, एक सेकंड एक सेकंड, ओ तेरी भैंस की, सॉरी 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 लमार सॉरी, ओ भाई सब क्या ही स्लिप मारी है, सॉरी लमार यार। भाई गाड़ी भाई बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हुई है, सॉरी लमार। गजर यहाँ पर जो लमार ने पहले इंतजाम करके रख रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को जो ना सीधा अंदर की तरफ लेके चलते हैं। भाई क्या गंदी टक्कर लगी थी भाई लमार में, वो तो अच्छा होगा जरा बच गया, ज्यादा लगी नहीं भाई मैंने क्या। चलो छोड़ो यार, यहाँ पर ऊपर की तरफ जल्द से इस गाड़ी को लेके चलते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। आज लमार जल्दी से आ जा, इसका ट्रंक बंद करते निकलते हैं, इससे पहले कि यहाँ पर कुछ पुलिस वुलिस का सीन हो। आज लमार जल्दी से आ जा यहाँ पर। भाई लमार ये फायदा होता है भाई लमार को लाने का, क्योंकि लमार की यहाँ पर ऑलरेडी दोस्ती इतनी ज्यादा है। तो कैसे यहाँ पर जो लमार भी आकर बैठ रहा है, एक तो गए सर मेरे को बात समझ नहीं रही लमार चलता कैसा है यार, कुछ अलग ही टाइप का चलता है। बट कोई नहीं, लेस हो गए यहाँ पर जो लमार भी आकर बैठ चुका है, अभी सीधा अपने प्लेन को उड़ा के लेके चलते हैं। और गजर हमने जो ना रात ही रात में ये जो काम है ना सब कुछ कर लिया है। मुझे तो लगा था गजर कम से कम एक दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि कार शो गजर दिन में होता है, लेकिन वो अच्छा हो गया रात में का हमने जो है काम यहाँ पर अपना कर लिया। फाइनली सीधा गजर जो है इस कार को जेट को उड़ा कर लेके चलते हैं लिबर्टी सिटी, मतलब लिबर्टी सिटी क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉस सैंटोस। और लिबर्टी सिटी आप लोग पीछे की तरफ देखो भाई, कुछ अलग ही नजारा आता है यार इसका तो। ओके जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सुबह से यहाँ पर जो मैं अपने प्लेन को उड़ा तोड़ा था, मतलब कार को प्लेन को उड़ा तोड़ा था, सीधा जो है लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर जल्द से इसको लैंड कराते हैं बड़े प्यार से। और गजर ये जो प्लेन है ना, मतलब भाई इसको क्या बोलूँ यार मैं, भाई इतना ज्यादा लोड ले रहा है भाई, बड़े प्यार से मेरे को इसको लैंड कराना पड़ेगा। और उड़ने में भी गजर काफी टाइम लगा दे रहा है, काफी ज्यादा भारी है। और मेरे को लग रहा है गजर ये जो प्लेन है ना, मतलब कार को जो जेट है, ये गजर मिलिट्री वाले अपने यूज में लेते होंगे, पता नहीं गजर लमार ने कहां से इसका इंतजाम करा दिया है। पागल तो नहीं हो गई है भाई ये बंदा, अबे टकरा यार, ये पिटेगा और कुछ नहीं है, टक्कर वक्कर मार देगा और कुछ नहीं है, मैं ऑन द दिमाग के वैसे होते हैं। अबे रुक जा भाई, भगाता वाला आ रहा है यार, मैं अपना साइड कर लेता हूँ, इसका कुछ पता नहीं भैया ये कब मारे कब टक्कर मार दे यार, ये ऑन द दिमाग के वैसे हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पर मैंने जो है इसको लेफ्ट की तरफ ले लिया है यार, ये जो भाई एक नंबर के पागल इंसान है, आराम से इसको रोकता हूँ। और सीधा लमार जल्द से उतर जा गजर, यहाँ पर जो अपनी गाड़ी को निकालते हैं सीधा गजर जो है अपने शोरूम में लेके निकलते हैं। और बेनी जो है इसको तगड़ा मॉडिफाई कर देगा। लमार यार अंदर ही बैठने का इरादा है क्या भैया, आराम से उतर जाए यार, तू तो भाई सा मुझे लग रहा सो वो तो नहीं गया यार, मुझे लग रहा थक वक गया होगा। चलो गजर यहाँ पर जो इसका ट्रंक ओपन करते हैं, जो कैसे यहाँ पर जो मैंने इसके बैक साइड का डोर ओपन कर लिया है, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और निकलते हैं। भाई गाड़ी कितनी ना मस्त लग रही ना, एक बार आप लोग गाड़ी पर नजर मारो। जो कह लैस को गजर यहाँ पर जो गाड़ी को बड़े प्यार प्यार से मुझे नीचे की तरफ निकालने वाला हूँ। ओके यहाँ पर मैं निकाल भी लिया। लमार कहाँ है, एक सेकंड ये खड़ा हुआ, लमार क्या करना चाह रहा है, जल्दी से गाड़ी के अंदर आके बैठ यार। लमार भी अपना आके बैठ रहा है, लमार भी ये बोल रहा होगा गजर गाड़ी कितनी ज्यादा मस्त है। चलो गजर यहाँ पर जो अपनी गाड़ी को काफी तेजी में भगाने वाला हूँ, सीधा गजर अभी जो है अपने शोरूम के लिए निकलते हैं। बेनी से जो है मैं बीच रास्ते में बात कर लूँ और पूछ लूँगा गजर गाड़ी को जो है ना शोरूम के अंदर लेकर आना, कहाँ लेकर आना है क्या आप पता। बेनी जो है ना कभी कभी जो गाड़ी है ना मतलब अपने गैरेज में भी मॉडिफाई करने लगता है। यहाँ पर पुलिस वुलिस का क्या सीन हो रहा भैया, कभी पुलिस, और तेरी एक सेकंड, नहीं नहीं भाई हमारे पीछे नहीं पड़ रही है, मुझे लग रहा था कि हमारे पीछे पड़ रही है। लिबर्टी सिटी की जो पुलिस है और कैसे लॉस सैंटोस की जो पुलिस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो यहाँ पर उनका कोई सीन नहीं है। और एक बार अगर गाड़ी यहाँ पर लेके आ गए ना, ओ भाई इस बस वाले को देखो भैया कहाँ से कहाँ चढ़ा दिया, पागल वागल तो नहीं हो गए भाई ये बस वाले, मेरे को आजकल कुछ कुछ ऐसे लग रहे हैं भाई, बस को देखो कहाँ फंसा के चला रहा है गजर। यहाँ पर अगर मैंने कुछ कहा ना इनको, भाई ये वैसे ऑन द दिमाग के हैं भाई, चोट हुए थे लड़ने लग जाते हैं, कुछ पता नहीं है। ओ आराम से आराम से, बस वाले भैया जल्द से हटा लो। और एक सेकंड, इस लेडी का ना भाई किसी ने गाड़ी चुरा लिया, क्या कर लिया, ओ भाई गाड़ी चुरा लिया भाई, इस गाड़ी का टेस्ट करने का काफी बड़े टाइम है, ये बंदा है तेरी ऐसे निकलने आ जाए। ओके यहाँ पर जो है मैंने इस लेडी की गाड़ी तो निकाल लिया, मतलब बचा लिया,
यहाँ पर जो एक सेकंड इस गाड़ी इस लेडी की जो गाड़ी है ना वो वापस कर देता हूँ भाई साहब। यहाँ पर मैं सोच रहा था यहाँ पर रेस वेस लगाएंगे अपनी गाड़ी कितनी मस्त है। अबे नमार तो अपनी गाड़ी के अंदर जाके बैठ यार, कुछ चुरा उरा कर ले जाए। एक सेकंड का सर, इस लेडी की जो गाड़ी है ओ ओ भाई मैंने अपनी जो गाड़ी बीच रास्ते में छोड़ दी है, चुरा उरा कर ले जाए। मैंने जल्दी से गाड़ी के अंदर आके बैठो भाई। छोड़ यार लो भाई, इतनी तगड़ी मैंने हेल्प कर दिया है, गाड़ी की थोड़ी देख रेख कर लिया करो मैडम। अबे यार माइकल तू तो यार, अबे यार पूरी इज्जत ही गिरा दी यार। मैंने लड़की के देख ली यार, दरवाजे परवाजे सब कुछ खोल रहा है बैठाने के लिए। अबे यार गैंगस्टर रह चुका है भाई तू। यहाँ पर अपनी गाड़ी सामने तरफ ही खड़ी हो, और उस ट्रक वाले ने अगर गाड़ी में ठोक दोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ उतर के मारूंगा भाई साहब। गजर यहाँ पर जो ना गाड़ी को बचाने के चक्कर में गजर अपनी गाड़ी कैसे ऐसी हो जाएगी कि भाई साहब। ओ भाई ये ट्रक वाला भाई पागल वागल तो नहीं हो गया? एक सेकंड, यहाँ पर गजर अपनी गाड़ी इसको अंदर की तरफ लेके चलते हैं जल्दी से। लमार जल्दी से आके बैठ, ये लमार भाई अजीब ही बंदा है। मैंने इससे कहा था गाड़ी के अंदर आके बैठ जा, लेकिन भाई मेरी गाड़ी के अंदर आके बैठ गया। अब लो भाई कहाँ चला गया? अब लड़की के साथ चला तो नहीं गया भाई, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। चलो गए, मुझे क्या लग रहा है लड़की के साथ जा चुका है। ऐसा कुछ नहीं भैया, कॉल करके बुलाना पड़ेगा उसको, मुझे लग रहा है पीछे की तरफ होगा। मुझे क्या लग रहा है भाई, घर तक छोड़ के आया क्या? मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है। आप लोग अपनी गाड़ी के एक बार आगे फ्रंट मिरर देखो भाई, पूरा टूट चुका है। यहाँ पर जो ना भाई हेल्प करने के चक्कर में अपनी गाड़ी के ऐसे हो जाएगी। मैं गाड़ी को भगाते हैं सो के, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मैं अपनी गाड़ी को भगाते बस सीधा से जो है अपने शोर में पहुंच चुका हूँ। और भाई गाड़ी को जो ना मैं सही में गजर भगाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, वो भी गजर पेरिस की सड़कों पर। देखने वाली ये बात है जहाँ पर जो रेस कब तक स्टार्ट होती है, जैसे स्टार्ट होगी वैसे गजर मैं इस गाड़ी को लेकर जाने वाला हूँ। ओ ओ आराम से बिल्कुल प्यार से लेकर चलते हैं। वैसे भी गाड़ी की जो ना ऐसे हो चुकी है भाई, हमने ना भाई थोड़ी बहुत ठोकाठाकी कर दी थी बीच रास्ते में। लमार भी अपना बैठा है मजे से। ओके लेसो, यहाँ पर जो गेट ओपन हो चुका है, इस गाड़ी को जो ना मैं कहाँ लगाऊँ यार, यहाँ पर लगाता हूँ। ले भाई बैनी, मैं जो है गाड़ी लेके आ चुका हूँ, जल्द से इसको मॉडिफाई कर दे भाई। ये तो हमेशा बैठा ही रहता है भैया, कितना सुस्त है यार हमार सही में। चलो गाइस यहाँ पर जल्द से बैनी से बात कर लेता हूँ। बैनी मेरे को सामने तरफ देख चुका, पता नहीं कैसे किसी बंदे से बात कर रहा है। तो गाइस आप लोग एक बार लमार को देखो, मतलब भाई अभी गाड़ी ठीक नहीं हुई है, ये अपना फोटो वोटो खिंचवाना सेल्फी लेने स्टार्ट कर दिया, इंस्टाग्राम पर रील वील डालनी है क्या? यहाँ पर जो बैनी ना वो लग चुका है गाड़ी को मॉडिफाई करने में। आप लोग गाइस एक बार इंजन देखो भाई, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंजन है भाई साहब। बैनी पता नहीं गाइस इसको ठीक भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मतलब गाइस इसकी हॉर्स पावर बढ़ा भी पाएगा भाई। गाड़ी का जो इंजन है ना वो पीछे की तरफ है, पता नहीं गाइस कितने ही वॉट का इंजन है, वॉट पता नहीं क्या बोलते हैं। चलो गाइस अभी ना मेरे पास जो है अंडर वाटर माफी को लगी है। अंडर वाटर माफी मेरे को तुरंत तुरंत अपने शोरूम के अंदर बुला रहा है, वो बोले जल्द से जल्द आ जाओ, कुछ काफी एक अर्जेंट बात करनी है तुमसे, एक बार चल के देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर जो ना बैनी अपना लगा पड़ा है और लमार अपना चला जाएगा, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मैं भी गाइस अंडर वाटर माफी से पूछ लूंगा भाई क्या सीन हो गया, इतने अर्जेंट में क्यों ही बुलाना चाह रहा है भाई। जब भी मैं ये सोचता हूँ यहाँ पर घर पर जाकर हंसी के साथ खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ना काम पे काम निकलते जा रहे हैं। चलो गाइस यहाँ पर जो ना हस्की के साथ बाद में खेलेंगे, अभी गाइस यहाँ पर अंडर वाटर माफी के पास निकल चलते हैं। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मैं अपनी बाइक को भगाते बस सीधा जब जो है अंडर वाटर माफी के शोरूम पहुंच चुका हूँ। बाकी एक सेकंड, ये क्या चल रहा है भैया? ओ भाई साहब कितना तगड़ा यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? ओ भाई अंडर वाटर माफी रहा भाई, पूरा शोरूम के ऐसे से हो चुके हैं और इतना धुआं धुआं का असर भाई, गाड़ियां भी जलकर आग हो चुके हैं। यहाँ पर कहते ये जो बंदे हैं ये भाई बारिश पड़ रही है, लेकिन भाई साहब ये काम करना नहीं छोड़ेंगे। वैसे यहाँ पर शोरूम के अंदर चल कर देख रहा हूँ क्या सीन रखा है। ओ भाई साहब शोरूम के अंदर कितना ज्यादा तगड़ा धुआं धुआं हो रहा है भाई, गाड़ियां जो है जल के राख हो चुकी हैं। ये काम किसका है मेरे को तो गाइस अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अंदर जाने कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जल से अंडर वाटर माफिया से बात कर लेता हूँ और पूछ लेता हूँ गाइस ये जो काम है किसका काम है भाई। ऊपर से बिल्डिंग विल्डिंग गिरी है क्या? मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है गाइस, तभी ये पत्थर जो है ना ये ऊपर से गिरे हैं जरूर से। अब पता नहीं गाइस ये अर्थक्वेक हुआ है क्या है, मेरे को तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अंडर वाटर माफिया जल से बात करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरी अंडर वाटर माफिया से बात हो चुकी है। गाइस अभी जो अंडर वाटर माफिया ना वो गाइस बोलने की हालत में भी नहीं है। अंडर वाटर माफिया ये बोल रहा है गाइस अभी जो ना कोई बंदे आए थे, मतलब अगर अंडर वाटर माफिया के शोरूम के अंदर, अब अगर वो जो बंदे थे ना वो ये बोलने लगे कि एक गाड़ी चाहिए थी। अब अगर वो जो गाड़ी थी ना अगर काफी ज्यादा महंगी थी, और वो जो बंदे थे वो अगर आधे प्राइस दे रहे थे उस गाड़ी के, मतलब अगर बिल्कुल आधे, अगर $5,00,000 की गाड़ी है तो अगर उसके ना $2,50,000 दे रहे थे। अंडर वाटर माफिया ने मना कर दिया और अगर उन्होंने क्या करा, अपनी पूरी की पूरी टोली बुलाई और यहाँ पर अटैक करवा दिया था। मतलब ये जो अटैक था ना साइलेंट अटैक था, अंडर वाटर माफिया का कुछ पता नहीं चला और यहाँ पर RPG भी चली थी। अब अगर वो जो बंदे ना अंडर वाटर माफिया उनको जानता है, सीधा कहते अभी ना उनके अड्डे पे निकलता हूँ। और भाई हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर, कहते जब से मैंने अंडर वाटर माफिया को शोरूम का गिफ्ट कर दिया है, यहाँ पर ये जो गैंग के बंदे हैं ना ये कहते अटैक पे अटैक ही करते जा रहे हैं भाई। क्या हल्के वल्के में ले रखा है कि तुमने हमको? चलो कहते इनका भी जो ना मत्था सुझा देते हैं। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, मैं अपनी बाइक को भगाते बस सीधा कस उन्हीं गैंग के अड्डे पहुंच चुका हूँ। बेटा बहुत चोटे हो रहे हो गजर, यहाँ पर जो ना अपनी बाइक को साइड में लगाता हूँ और गजर यहाँ से ना मैं रास्ते में जो है आर्मर वार्मर और गन वन
परचेज कर ली थी क्योंकि ऐसा कुछ भी सीन हो सकता है। पहले कहते यहाँ पर मैं इनसे प्यार से बात करूँ, क्या सीन था यहाँ पर, अंडर वाटर माफिया अटैक क्यों किया भाई, इतने दूर थे भैया, मैंने अपनी बाइक इतना दूर लगा दिया। चलो कोई नहीं, कहते यहाँ पर जैसे आगे की तरफ निकलते हैं और सामने तरफ जो है ना मेरे को इनकी टोली दिख चुकी है, इनसे जैसे बात करता हूँ। अच्छा भाई साहब बियर मारी जा रही है, मैं इनकी अभी सारी सारी बियर निकाल दूंगा। वैसे आप लोग एक बार इस बंदे के चेहरे पे देखो, मतलब भाई साहब कितना ज्यादा कोयला पोत रखा है, बेटा तेरी है ना मैं ऐसे तैसे कर दूंगा। अब गजर ये जो बंदे ने ये बोले कि पहली फुर्सत में यहां से निकल ले, तेरा कोई काम नहीं यहां पर, मतलब भाई मेरे को समझ के रखा है भाई इन्होंने, बेटा बजा के रख दूंगा। एक सेकंड, पहले गजर यहां पर ना कवर देखना पड़ेगा, यहां पर जो है मैं इनका मुंह तोड़ने वाला हूं काफी बड़े तरीके से। बेटा तुम मेरे को हल्के वल्के मिले रहो, एक सेकंड यहां पर भाई साहब किसने, ओ भाई अच्छा ऊपर की तरफ चढ़ के बैठे हैं भाई यहां, ओ अच्छा बेटा रुको रुको गजर यहां पर एक ग्रेनेड डालूंगा और यहां पर इनके मैं लंका पोत दूंगा, तुम्हारी एक ग्रेनेड डाला और बेटा बाय बाय ब्रो। ओ भाई नहीं मरे, भाई मरे नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाओ बेटा जाओ भाई। चलाने का स्टाइल देखो इनका, उत्तरी भैंस कूद कूद कर रहे हैं भाई, पूरे लंगूरों रखे हैं। बेटा आज मैं तुम्हें ना वनमानुष बना दूंगा, आ जाओ बेटा आ जाओ। एक सेकंड कहते हैं यहाँ पर काफी सारे बंदे मैंने मार दिए, बेटा बहुत चोट हो रहा है, बेटा बला से उनको मारा है, सलवाडोर गैंग को मारा है, लेकिन ये गैंग कौन सी है गजर, ये गैंग तो गजर मैं पहली बार देख रहा हूँ इनका एरिया में, गजर मैं पहली बार आ रहा हूँ। निकलो यहाँ से सारे सारे, बेटा तुम्हारा बॉस किधर की तरफ है यार, ये जो गैंग है ना पता नहीं क्या ही सीन करना चाह रही है। लॉस सैंटोस के अंदर गजर काफी सारी गैंग आ चुकी है, ये गजर पीट पीट के ना इतने ढीट पड़ चुके हैं। अब शकल दिखा तेरी ऐसी की तैसी, बेटा शकल दिखा जल्दी से। एक सेकंड गजर जैसे ही निकलेगा ना अपनी, निकल तेरी भैंस की आंख, तू भी निकल। यहाँ पर कहते हैं काफी सारे बंदे मैंने मार दिए हैं और फाइनली सारे सारे बंदे आई थिंक मार जा चुके हैं। यहाँ पर कहते इनकी ऐसी कम तैसी, मतलब कितने चोड़े हो रहे हैं शोरूम के अंदर आके भाई सब यहाँ पर आर पीछे लगे जाएंगे, मतलब भाई मुझे क्या लग रहा है कैसे इनको पता नहीं है कहते यहाँ पर क्या सीन है। आई थिंक ऐसे सारे सब बंदे वो मार दिए मैंने, मुझे लगा था पीछे की तरफ कोई बंदा होगा, बट कैसे यहाँ पर जो मेरे को पता नहीं चला कैसे ये जो काम है किस काम है। एक सेकंड, अच्छा बेटा तू कहाँ से बच गया, निकल तेरी ऐसी तैसी, रुक 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 इसके तो कहते हैं यहाँ पर हम पैरी पैर बजा दिए, तुम कहाँ से आ रहे हो बेटा, चूरन लोगो तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं भैया, पड़ोसी लोग आ रहे मारने के लिए भैया, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम दूसरी गैंग हो, तुम्हारी ऐसी की तरह से निकलो यहाँ से। गजर इस बंदे से मेरे को पूछना पड़ेगा ये जो काम है किस काम है। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गजर, इस बंदे ने मेरे को सब कुछ बता दिया है और ये बंदा बोलेगा यहाँ पर ना एक रॉकी नाम का बंदा आया था, मतलब अपने सिक्योरिटी गार्ड को लेके, और गजर इसको काफी सारे पैसे देते मतलब गजर इनके बॉस को, और उसने ये कहा था गजर इस शोरूम में जाकर अटैक करना है। अब गजर ये तो सारी सारी चाल थी, मतलब गजर आधे पैसों में गाड़ी वाड़ी लेना, ये सब कुछ गजर एक ड्रामा था। गजर इनका मेन मकसद तो गजर शोरूम अटैक करना था। अब गजर आप लोगों को पता होगा जो रॉकी नाम का बंदा है ना, इसका गजर मैंने कितना सारा गोल्ड चुराया था। अब गजर ये बंदा ये सोच रहा है गजर यहाँ पर मेरा शोरूम है, लेकिन अंडर वाटर माफिया का शोरूम तो भैया, गजर ये जो है ना मुझे लग रहा है गजर माइकल के बारे में पूरी पूरी हिस्ट्री निकलवाना चाहता है, बट कोई नहीं गजर इसका तो गजर जैसे करके मत्था खत्म करना पड़ेगा। तो चलो गजर आई थिंक आज के डेटल बस इतना, वीडियो को अच्छी लगे अच्छी लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूं उसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। I have a dream, that's all I need, I'll make it happen with some work and belief, know what I want, so I'll take it on, I've made mistakes, but mistakes make you strong, let's break it down.